हेलो गाइस, आप सभी को हमारे चैनल बिगनवर्स में स्वागत है। गाइस, आज हम लोग फोटोशॉप CS6 2022 ट्यूटोरियल के अंतर्गत किसी भी इमेज से कलर कास्ट हटाना सीखेंगे। तो गाइस, बिना समय वेस्ट किए आइए शुरुआत करते हैं। तो गाइस, यहां पे गौर कीजिएगा, ये जो पोर्ट्रेट है इस पर आप देख रहे होंगे ग्रीन कलर का कलर कास्ट है, तो इसको हमें रिमूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लेयर्स के डायलॉग बॉक्स में आएंगे और नीचे एडजस्टमेंट का जो ऑप्शन है, लेयर एडजस्टमेंट का, ठीक है, इस पर एक बार लेफ्ट क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे कर्व्स में आएंगे, ठीक है, लेवल्स के जस्ट नीचे है कर्व्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए, इसका जो प्रॉपर्टीज है इसको हम देखिए ड्रैग करके इधर ले आते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करते हैं, ठीक है, पहले ऑटो पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, हल्का सा इसका लाइट बढ़ गया है, ठीक है, बट इस पोर्ट्रेट के ऊपर जो ग्रीनिश टाइप का है वो रिमूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे, आप देखिए जो फोर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगा, इस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं और यहाँ से ऑटो ऑप्शंस है, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, इसको ड्रैग करके इधर लाते हैं। अब यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे होंगे एल्गोरिदम्स लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, जो फर्स्ट ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको फ़र्क दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह देखिए, हम सेकेंड पर क्लिक करके देखते हैं तो यहाँ पर हल्का सा चेंज आपको दिख रहा होगा, ग्रीन कलर का जो था वो थोड़ा सा यहाँ पर घट गया, बट पूरी तरह से रिमूव नहीं हुआ है। इसके बाद देखिए, थर्ड ऑप्शन है फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स, ठीक है, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ज़्यादा चेंजिंग आया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथा ऑप्शन है, इस पर भी क्लिक करके देख लेते हैं, यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं आया। तो यहाँ पे जो फाइंड डार्क एंड लाइट कलर्स है इस पर हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए, सबसे नीचे एक ऑप्शन है स्नैप न्यूट्रल मिड टोन्स, ठीक है, इस पर भी हम क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ से किस तरह से पूरी तरह से जो ग्रीन कलर का शेड था या कलर कास्ट था वो पूरी तरह से रिमूव हो चुका है, अब ये कलर ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फाइन डार्क एंड लाइट कलर्स पे क्लिक करेंगे और स्नैप न्यूट्रल मिड टोन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से हम इसको कट कर दे रहे हैं। अब देखिए, बिफोर आफ्टर करके मैं दिखा दे रहा हूँ, कंट्रोल प्लस ऑल्ट बटन प्रेस करके बैकग्राउंड लेयर के विजिबिलिटी पर एक बार लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देखिए बिफोर आफ्टर। तो इस तरह से आप कलर कास्ट रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। एक इमेज पे और देखते हैं कलर कास्ट रिमूव करके, ठीक है। देखिए, ये पोर्ट्रेट मेरे पास है, इस पर भी ग्रीनिश टाइप का है, तो यहाँ पे लेयर्स के डायलॉग बॉक्स में आएंगे और नीचे जो लेयर एडजस्टमेंट का ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे, कर्व्स पे जाएंगे। कर्व्स पे जाने के बाद यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करेंगे, ऑटो पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। इसके लिए हम फिर से यहाँ पे फोर स्ट्रेट लाइन जो है इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए ऑटो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, फाइन डार्क एंड लाइट कलर्स पे क्लिक करेंगे, स्नैप न्यूट्रल मिड टोन्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो पोर्ट्रेट है इसके ऊपर ग्रीनिश टाइप का कलर अभी भी बना हुआ है, ठीक है, ये रिमूव नहीं हुआ, बट इससे पहले वाले जो इमेज में हम किए थे उसमें ये दोनों पे क्लिक करने के साथ ही वो रिमूव हो गया था, बट यहाँ पे नहीं हुआ। तो कोई नहीं, आगे देखते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं पहले, ठीक है। अब गाइस, यहाँ पे देखिए तीन आई ड्रॉपर यहाँ पे ऑप्शन है, इसके मिडल में जो आई ड्रॉपर है जिसका नाम है ग्रे पॉइंट आई ड्रॉपर, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे मिडल वाले पे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली इसके फेस पे या फिर इसके बाहर, ठीक है, कहीं भी जो ग्रीनिश टाइप का है यहाँ पे, या फिर यहाँ पे देखिए हम क्लिक करते हैं वाइट वाले पे, तो देखिए किस तरह से हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, तो देखिए किस तरह से चेंज हुआ है यहाँ पे। तो ये वाले पार्ट पे क्लिक करने के बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ पे वाइट कलर था, ठीक है, बट इसके फेस पे ग्रीनिश टाइप का है। अगर इसके बॉडी पर हम क्लिक करते हैं तो भी देखिए यहाँ पे किस तरह से चेंज आ रहा है, कंट्रोल जेड करते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है ग्रीन टाइप का है, यहाँ पे एक बार हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए किस तरह से फेस पे जितना भी ग्रीनिश टाइप का था वो सब के सब रिमूव हो चुका है, ठीक है। इसको हम देखिए यहाँ से कट कर दे रहे हैं, अब बिफोर आफ्टर करके मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ, बिफोर आफ्टर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप कलर कास्ट किसी भी इमेज से रिमूव कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।